हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, मैं कुणाल मिश्रा आज आपको देने आया हूँ ज्योग्राफी की ट्रिक्स और टिप्स जो आपके एनडीए 2021 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा आपको पता है कि आपके एनडीए में जो 2021 में होने वाला है उसमें ज्योग्राफी का एक मेजर सेक्शन आता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी को हम कैसे पढ़ें, कैसे लें, तो हम एक आज एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा छोटा ये वीडियो होने वाला है, बस इसमें आपको थोड़ी सी बातें मेरी याद रखनी, लेकिन बहुत मोटी बातें, ठीक है। तो इनको समझिए कैसे। जैसे ज्योग्राफी का अगर मैं सेक्शन कहूं, ज्योग्राफी हमारे यहाँ तीन पार्टों में आती है, फिजिकल, इंडियन और तीसरी आती है वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारे यहाँ ज्योग्राफी के तीन सेक्शन है, ठीक। अब मैं अगर एनडीए 2021 की बात करूं तो मुझे पता है एनडीए के बच्चे हमारे यहाँ 12th के नियर होते हैं, वो 12th पास करके हमारे यहाँ एनडीए का अटेम्प्टिंग करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उनसे फिजिकल ज्योग्राफी ज्यादा पूछी जाएगी। फिजिकल ज्योग्राफी का आप मतलब समझते हैं एटमॉस्फियर, विंड, साइक्लोन, यूनिवर्स, ठीक है। यही सब क्वेश्चन, इसी बार आपके कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है, इन्हीं सब टॉपिकों से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए 2021 एंड यू आर डैम सीरियस, तो आपको हमेशा तैयारी करनी चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी की। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो सब कुछ मैं आपको बताऊं। तो देखिए, सबसे पहले हर एनडीए के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ही हैज टू कंप्लीट जीएस ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 12। एनसीईआरटी जो हमारी 6 to 12 की बुक आती है, बहुत सिंपल है, यू कैन डाउनलोड इट ऑनलाइन। ऑनलाइन उन बुक्स को डाउनलोड करें, क्लास 6 तक आ जाता है टैब में, बकायदा उनको ऑफिशियली डाउनलोड करें और उनको पढ़ें, इनसे आपका बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। और इसको करने के बाद जब आपका ये एनडीए 2021 में आप एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ चुके हो, उसके बाद एक रेफरेंस बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। फिजिकल ज्योग्राफी की बेस्ट बुक आती है जीसी लियोन का सर्टिफिकेट, ये बुक बहुत बढ़िया बुक है। इफ अगर एनडीए वालों ने इनको जरा सा भी पढ़ लिया, मतलब मैं कह रहा हूं पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारा हमेशा गोल रहता है वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, ठीक है। हमें बस पेपर क्लियर करना है और आगे जाकर एसएसबी रिकमेंड होना है और फिर बस पहुंचना है एनडीए खड़कवासला पुणे, बस दैट इज माई अल्टीमेट गोल। तो हमें क्या करना है, जीसी लियोन की बुक को पढ़ना है थोड़ा थोड़ा सा, इससे मेन पॉइंट मेरा बेस बनाती है एनसीईआरटी, ठीक है, और मुझे एनडीए यूपीएससी के लिए तैयार करती है जीसी लियोन की बुक। तो इसका कॉम्बिनेशन अब आप तैयार करेंगे तो आपका पूरा कपूपर पेपर ना केक वॉक की तरह निकलेगा, ज्योग्राफिक सेक्शन एकदम बिल्कुल सिंपल रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में क्या रहता है, इंडियन ज्योग्राफी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है। इंडियन आर्म फोर्सेस कंटेन्स इंडिया, तो इंडिया के बारे में तो जानकारी जाननी, एज ज्योग्राफिकल एज पॉलिटिकल सब कुछ, इकोनॉमिकल सब कुछ आपको जानना। तो ज्योग्राफी की जब इसकी बात आती तो इसके लिए मैं कोई बुक नहीं रिकमेंड करूंगा, इसके लिए हम यही कहेंगे आप एनसीईआरटी 6 to 12 की बस पढ़िए। इसकी बुक जो आती है उनमें बहुत ज्यादा मटेरियल दिया है, उसको अगर आप आधा भी पढ़ें तो आप भी आपके लिए बहुत है। जैसे अगर मैं बुक कहूं तो ज्योग्राफी ऑन इंडिया माजिद हुसैन है, अब माजिद हुसैन सर की बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर एनडीए एटलीस्ट, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी अगर आप करें तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए तो वैसे तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के नोट्स बहुत हैं, मैं जितना पढ़ाता हूँ वही पूरा का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे, डायरेक्ट मतलब नोट्स और आपके क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो आप समझते हैं, ठीक है। तो वही इंडियन ज्योग्राफी में आपको ऐसे पढ़ना है। अब आती वर्ल्ड ज्योग्राफी, लीस्ट बॉदर सेक्शन है, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड किसी का भी नहीं तैयार हो सकता। अगर आप देखें वर्ल्ड ज्योग्राफी इतनी वास्ट है, देयर आर 7 continents 5 oceans। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं सिर्फ ओशन करंट्स कराता हूँ और एशिया और यहां तक ऑस्ट्रेलिया तक के सुपरलेटिव करा देता हूँ। तो अगर आप ध्यान दो तो सबसे ज्यादा आपका सेक्शन क्या हुआ, फिजिकल और इंडियन। तो इस पर ध्यान देकर आप एनडीए 2021 की तैयारी करिए, इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए ज्योग्राफी केक वॉक होगी। हम क्या करते हैं, हम हमेशा 100% करने के पेपर सोचते हैं कि इफ ज्योग्राफी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल इंडियन और वर्ल्ड विल डू एवरीथिंग। नो, वी डोंट हैव टू डू एवरीथिंग, वी जस्ट हैव टू डू स्मार्ट वर्क
जो हमारा पेपर निकलवाए और कुछ नहीं। तो वही सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा था, फिजिकल और इंडियन, बस वर्ल्ड ऊपर ऊपर से बस देखनी है, ठीक है, ऊपर ऊपर से, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी आजकल करंट अफेयर से मिली आती है। अगर कहीं पर न्यूज बन गई, ठीक है, तो वहां की कैपिटल पूछ लेंगे, वहां की मिनरल रिसोर्स आपसे पूछ लेंगे, ये सब चीजें आने लगी। तो मैं इतना ज्यादा बड़ा सेक्शन की वजह से अपना ऊपर स्कोरिंग सेक्शन क्यों छोड़ूं, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी, यही मैं बात आपको बताने के लिए ये वीडियो लाया था। तो आप लोग बहुत अच्छे से मुझे लगता है समझ गए होंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए 2021, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी, नथिंग एल्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी कम्स आती है, मैं मानता हूं आती है, लेकिन उससे पहले अगर आप फिजिकल और इंडियन कर लें तो आपका बहुत बड़ा मेजर सेक्शन ज्योग्राफी का हो चुका हो। अगर मैं कहूं 19 क्वेश्चंस आते हैं तो 15 क्वेश्चंस उसमें फिजिकल और इंडियन के होंगे, तो why for that 4 क्वेश्चन आई हैव टू प्रिपेयर होल वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही टिप्स और ट्रिक मैं आपको देने आया था। तो एनसीईआरटी 6-12 फॉर इंडियन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी, एंड लास्ट इज जीसी लियोंग सर बुक सर्टिफिकेट ऑफ जी, ऑल द बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा लीजिए, बाहर भी मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। तो टिल देन मैं आप सबको यही कह सकता हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद एंड हैप्पी दिवाली, थैंक यू। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।